नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने गाजर को छील लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और कुकर में हम 2 से 3 सीटी उबाल लेंगे। इस तरह हमने बड़े बड़े गाजर के टुकड़े काट लिया, इसे छील लिया है, धो लिया है। और यह हमारी छोटी भाभी जी हैं, यह आपको कुछ रेसिपी बताएंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा का। हम अलग स्टाइल में हलवा बनाएंगे, ये झटपट बन जाता है। एक गिलास दूध डालेंगे और हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। कितनी अच्छी तरह से पक चुका है और हम इसको चम्मच की मदद से मिलाएंगे ताकि अच्छी तरह मिल सके। ये देखिए, हमारी गाजर अच्छी तरह मिल चुकी है। गाजर की रेसिपी अलग ही तरीके से बनाई है, हमें किसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, झटपट बन जाती है और टाइम भी बच जाता है। लोग देख सकते हो अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। लोग देख रहे हैं कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें घी हमारा गर्म हो गया है हल्का, अब हम इसमें गाजर डालेंगे, इसको हम चला देंगे। ये देखिए, अरे गाजर में जो थोड़ी दूध हमने डाला था बॉईल करने के लिए, थोड़ी है दूध तो उसको हम थोड़ी पकाएंगे, पूरा दूध सूख जाए। इसमें दूध थोड़ी दिख रहा है जो हमने डाला था, जो है हम जब तक पकाएंगे जब तक कि पूरा दूध सूख न जाए, लाजवाब बने। इसके लिए हम मलाई थोड़ा ऐड करेंगे। कितनी अच्छी और मोटी मलाई है। हम खोया अवेलेबल है तो आप लोग खोया भी डाल सकते हो। जब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा दूध, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ही और चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से दूध और मलाई अच्छी तरह मिल चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हम उतना डालेंगे, हमें मीठा पसंद है। हमने यहाँ एक कटोरी डाला है क्योंकि हम अपने अनुसार बना रहे हैं, आप लोग अपने अनुसार बना सकते हो। ये देखिए, चीनी डालने के बाद तो हम इसको थोड़ी पकने देंगे और फिर हम इसमें, हमारा हलवा बनकर तैयार है। हमने ड्राई फ्रूट डाला है, थोड़ा इलायची पाउडर डाला है। अगर आपको मेरी भाभी जी की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करना ना भूलें।